ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। कथाकथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है, तो वहीं पंजाब में 1 जून के दिन वोटिंग होनी है। दो ऐसे ये राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई और ग्राउंड पर जो प्रचार करना था उस पर एक बड़ा असर भी हुआ। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ही आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। जिस तरह से रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया, वहां से लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और विपक्ष के बड़े नेता भाजपा पर निशाना साधते नजर आए, अब इसी अंदाज को घर घर जाकर भी आम आदमी पार्टी आम लोगों को बताएगी, ताकि वोटर्स को खास तौर पर अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। लेकिन इससे फायदा होगा या नहीं होगा, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और सबसे बड़े स्टार कैंपेनर खुद अरविंद केजरीवाल रहे हैं। जहां भी चुनाव होता है वहां खुद आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल जाते हैं, अपनी गारंटियों को बताते हैं और लोगों से वोट मांगते हैं। इस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे के जरिए लोगों से वोट मांगती हुई नजर आई। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह से सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी ने कैंपेन लॉन्च किया, वहीं टी शर्ट पहनकर तो मास्क पहनकर भी आम आदमी पार्टी के विधायक कैंपेन करते हुए नारेबाजी करते हुए नजर आए, और यही अंदाज अलग अलग रूप में आने वाले दिनों में ग्राउंड पर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर जनसभा के जरिए, रैलियों के जरिए और साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन के जरिए आम आदमी पार्टी लोगों से वोट मांगती नजर आएगी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन।